दोस्तों, हाल ही में 10 सितंबर को लॉन्च की गई एप्पल आईफोन 11 सीरीज के फोन्स के लिए अब इंडिया में भी प्री ऑर्डर की बुकिंग शुरू हो चुकी है और इनकी सेल 27 सितंबर को शुरू होगी। आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो और आईफोन 11 प्रो मैक्स को आप एप्पल के रिटेल स्टोर के अलावा फ्लिपकार्ट, अमेजन और पेटीएम मॉल से भी खरीद सकते हैं। इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर HDFC बैंक की ओर से आपको आईफोन 11 लेने पर 6,000 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है और अगर आप प्रो वेरिएंट का कोई फ़ोन खरीदते हैं तो वहां पर आपको 7,000 रुपये का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। ऐसे में HDFC कार्ड से आईफोन खरीदने वालों को ये फ़ोन करीब 35,500 रुपये तक सस्ते पड़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यही बता रहे हैं कि अगर आपने आईफोन 11 सीरीज के किसी फ़ोन को खरीदने का मन आखिरकार अगर बना ही लिया है तो फिर आपको ये फोन किस तरीके से 35,500 रुपये तक सस्ते पड़ेंगे, ये इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, इसीलिए वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक पूरा देखें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको आईफोन के जो तीनों मॉडल्स है उसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में लिखे हुए सब्सक्राइब पर फटाफट से क्लिक करके उसे ग्रे कर दीजिए और उसके बगल में बने घंटे के निशान को दबाकर ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आप देखने से मिस नहीं कर सके और आप हमारी सभी वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए अब आपको बताते हैं आखिर किस तरीके से आईफोन के इन फोन्स में से कोई फोन खरीदने पर आपको 35,500 रुपये तक का फायदा मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 11 के बारे में, जिसके 64 GB स्टोरेज वाले वेरियंट की कीमत वैसे तो इंडिया में 64,900 रुपये है और इसे आप किस तरीके से 39,900 रुपये में खरीद सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। दरअसल HDFC बैंक के जिन ग्राहकों के पास HDFC बैंक का इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड है उन ग्राहकों को आईफोन 11 का 64 GB वाला फोन खरीदने पर 6,000 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। इसके अलावा 10x रिवार्ड पॉइंट भी इन्हें मिलेंगे। बैंक 19,600 रुपये तक के रिवार्ड पॉइंट ऑफर कर रहा है। इसके लिए आपको आईफोन 11 फोन खरीदते समय इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि आईफोन 11 पर कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट दोनों को मिलाकर आपको 25,600 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद आईफोन 11 का इफेक्टिव प्राइस 39,900 रुपये पड़ेगा। इस प्रकार से आपको 25,000 रुपये का फायदा यहां पर मिलेगा। अब बात करते हैं आईफोन 11 प्रो के बारे में, जिसकी कीमत इंडिया में 99,900 रुपये है और इस पर आपको 34,130 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। HDFC बैंक के इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड से आईफोन प्रो खरीदने वालों को 6,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा। उसके अलावा 28,130 रुपये के रिवार्ड पॉइंट भी मिल रहे हैं, जिसके बाद इसका इफेक्टिव प्राइस 65,770 रुपये रह जाता है। अब सबसे आखिर में बात करते हैं आईफोन 11 प्रो मैक्स के बारे में, जिसकी इंडिया में कीमत 1,09,900 रुपये है। इस पर मिलने वाले डिस्काउंट के बाद ये फोन आपको कितने का पड़ेगा ये हम आपको बताते हैं। इस फोन पर HDFC बैंक के इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड से अगर आप इसे खरीदते हैं तो 7,000 रुपये का कैशबैक मिल रहा है। इसके साथ ही 28,430 रुपये के रिवार्ड पॉइंट भी दिए जा रहे हैं। ऐसे में ये कैशबैक और रिवार्ड पॉइंट दोनों को मिलाकर ये रकम 35,430 रुपये होती है और इस प्रकार से ये फोन आपको 74,470 रुपये का पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों एक सबसे जरूरी और सबसे खास बात वो है, वो आपको बता दें कि इन आईफोन मॉडल्स में से कोई भी फोन खरीदने पर आपको फोन की पूरी पेमेंट एक साथ करनी होगी, क्योंकि HDFC के इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले 10x रिवार्ड पॉइंट EMI से पेमेंट करने पर लागू नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आईफोन की पूरी कीमत को आप एक साथ पेमेंट करके आईफोन पर करीब 35,500 रुपये तक का फायदा उठा सकते हैं। ऐसे में भैया, अगर आप इनमें से कोई भी आईफोन खरीदना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि पेमेंट करने के लिए आप HDFC इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड का जुगाड़ कर लीजिए, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड से आपको 35,500 रुपये तक का फायदा हो सकता है। तो मेरे प्यारे आईफोन के दीवानों और दीवानियों, अब आपके फायदे की बात हमने आपको इस वीडियो में बताई है, तो ऐसे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें आपके एक लाइक का फायदा तो आप दिला ही सकते हैं। तो ठोक दो भैया फटाफट से वीडियो पर लाइक और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरह की जानकारियां और अपडेट हमेशा मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद बगल वाला बेल आइकन भी जरूर दबा देवें और साथ ही ऑल का ऑप्शन भी सेलेक्ट कर लेवें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उन्हें सबसे पहले देख सकें। फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात किसी नई जानकारी और अपडेट के साथ।
तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।